अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का 56वां स्थापना दिवस समारोह उल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला थे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने विश्वविद्यालय की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस पर सभी को बधाई दी। उन्होंने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने हेतु अपना संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने समाज के विकास हेतु विश्वविद्यालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों में सुसंस्कार स्थापित करने का प्रबल माध्यम है। इससे विद्यार्थी संस्कारित होकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित APS वन विद्युत का सर्विस स्टेशन, फिल्टर प्लांट और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को और अधिक उन्नत बनाने का प्रयास होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी ने कहा कि विश्वविद्यालय में चार ऐसे अवसर आते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला स्थापना दिवस, दीक्षांत समारोह, गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस। कोई भी विश्वविद्यालय अपने शिक्षक एवं छात्रों से अपनी पहचान बनाता है। विश्वविद्यालय प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे, जहां ध्यान, अनुसंधान और शिक्षा प्रमुख हुआ करती थी। वही गुरुकुल आज के संदर्भ में विश्वविद्यालय के रूप में जाने जाते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी विश्वविद्यालय का आधार होता है। विश्वविद्यालय में अनुसंधान और ज्ञान की परंपरा अनवरत रूप से चलती रहती है। विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रशिक्षित कर वर्तमान पीढ़ी तथा आगामी पीढ़ियों के नव निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। इससे समाज और राष्ट्र का उन्नयन होता है। उन्होंने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के स्थापना दिवस पर सभी को बधाई दी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने 56वां स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह हम सब मिलकर विश्वविद्यालय को और अधिक ऊंचाई प्रदान करेंगे और विश्वविद्यालय को ऐसा सम्मान दिलाएंगे कि हमारे विद्यार्थी जब भी कहीं जाए तो लोग विश्वविद्यालय के नाम से उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें। उन्होंने आगामी NAC की विजिट को भी उल्लेखित करते हुए कहा कि इस हेतु सभी को सामूहिक प्रयास करना चाहिए और इसकी हम सराहना भी करते हैं। पंडित शंभुनाथ शुक्ला सभागार में आयोजित मुख्य समारोह के पूर्व विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा विधायक निधि से 4 लाख की धनराशि भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना हेतु प्रदान किया गया था, जिसको विश्वविद्यालय के विधि भवन में स्थापित कर आज राजेंद्र शुक्ला द्वारा अनावरण किया गया है। इस अवसर पर विधि भवन के नगर निगम के स्पीकर वेंकटेश पांडे, विश्वविद्यालय के आचार्य, अधिकारी, अतिथि शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त आचार्य प्रोफेसर AK श्रीवास्तव, उपेंद्र नाथ चतुर्वेदी, समरजीत शर्मा, सीता शरण पटेल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना स्वागत गीत एवं कुल गीत को प्रस्तुत किया गया और स्वागत उद्बोधन पूर्व कुलपति एवं पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष रहस्यमणि मिश्रा द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन लाइफ लॉन्ग लर्निंग विभाग के विभागाध्यक्ष एवं शिक्षा संकाय के अध्यक्ष पुरुष सुनील तिवारी द्वारा किया गया। आभार ज्ञापन विश्वविद्यालय के कुल सचिव रुक्सार सुकेन्द्र सिंह परिहार द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन दर्शन विभाग के प्रोफेसर श्रीकांत मिश्र द्वारा किया गया।